इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा V3 सिंगल फेज समर्सिबल कनेक्शन। समर्सिबल का कनेक्शन अंदर से रोटेशन फिक्स्ड होता है, इसलिए आपको कनेक्शन ध्यान से करना होगा। देखिए मेरे पास जो ये समर्सिबल है, ये जला हुआ समर्सिबल है, इसके में देखा तो किस तरह कनेक्शन होगा। तो यहाँ पे जो लीड देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए किसी में एक को मैं पकड़ लेता हूँ पहले। तो चलिए इस लीड में देख लीजिए, ये है स्टार्टिंग का, ये रनिंग का, ये और ये एक रनिंग का। इस स्टार्टिंग के साथ इस रनिंग का एक साथ जॉइंट कर दूंगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा इसको, और इस रनिंग के साथ मैं कनेक्ट करूंगा, क्योंकि मोटर को बाईं घुमाना है, इसलिए स्टार्टिंग का बाईं वाला कॉइल का हिस्सा मैंने लिया। देखिए आप ध्यान से देख लीजिए, ये स्टार्टिंग का और ये रनिंग का, ये जो देख रहे हैं वो सीधा का, वो भी एक रनिंग का, और ये एक रनिंग का, और ये स्टार्टिंग का, और इधर ये वाला एक स्टार्टिंग का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्टिंग कॉइल का छोड़ दिया और इसको बाईं वाला जो है इसको लूँगा। आप देखिए बाईं वाले के साथ मैंने कनेक्शन करूँगा, इसमें ब्लू एयर लगाऊँगा और उसके बाद उसमें रेड और इसमें येलो, इसको इस दोनों को मैं ब्लू लगाऊँगा और इस दोनों एक साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, मोटर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, इससे क्या होगा मोटर का रोटेशन अंदर से फिक्स्ड रहेगा, इसलिए तीनों लीड ऊपर आएगा, रेड येलो और ब्लू। ब्लू में कॉमन मतलब स्टार्टिंग और रनिंग एक साथ, रेड है होगा आपका रनिंग कॉइल का एक और येलो होगा स्टार्टिंग कॉइल का एक। इस टाइप का आपको कनेक्शन करना होगा। इस टाइप कनेक्शन करने से आपको मोटर सही घूमेगा और ये एंटी क्लॉकवाइज कनेक्शन होगा। थैंक यू फ्रेंड, इस वीडियो के बारे में कोई सवाल है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख सकते हो। थैंक यू।